लखनऊ भारत के उस भूभाग पर स्थित है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र कहा जाता है। लखनऊ हमेशा से ही एक बहुसांस्कृतिक शहर रहा है। यहाँ राज करने वाले नवाबों ने शिष्टाचार, खूबसूरत बाग बगीचे, गीत संगीत तथा लाजवाब व्यंजनों को बढ़ावा देकर लखनऊ को अच्छी तरह संवारा था। उसकी झलक आज भी लखनऊ के हर एक चीज में हमें देखने को मिलती है। आज नवाबों की शानो शौकत वो राजपाट नहीं रहा है, लेकिन नवाबों द्वारा बनाए गए तमाम इमारतें आज भी लखनऊ में चारों तरफ इतिहास की हजारों यादें लेकर शान से खड़ी हैं और उस समय के नवाबों की रॉयल लाइफ की तारीफ करती हुई नजर आती हैं। नवाबी शासन काल खत्म होने के बाद लखनऊ में अंग्रेजी शासन शुरू हुआ। लखनऊ रेलवे स्टेशन, चारबाग और विधानसभा भवन जैसी बेमिसाल इमारतें अंग्रेजों ने ही बनवाई थी। भारत को आजादी मिलने के बाद लखनऊ शहर का विकास काफी दिनों तक बाधित रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से लखनऊ में तमाम निर्माण कार्य शुरू कराए गए। तमाम ऐतिहासिक इमारतों का सौंदर्यीकरण कराया गया। विश्व विख्यात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क मायावती जी ने बनवाकर लखनऊ की सुंदरता में चार चांद लगा दिया। इसके बाद जब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आया तो लखनऊ में तमाम विश्व प्रसिद्ध निर्माण हुए, जैसे इकाना स्टेडियम, जनेश्वर मिश्र पार्क, लखनऊ मेट्रो आदि। इस प्रकार एक बार फिर से लखनऊ को धरती का स्वर्ग बना दिया गया। शहर के बीचों बीच बहने वाली नदी गोमती की सफाई करके लखनऊ को लखनऊ बना दिया। फिलहाल लखनऊ दिनों दिन सजता संवरता जा रहा है। वर्तमान समय में श्री योगी जी द्वारा भी तमाम कार्य कराए जा रहे हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन इसे गोल्डन सिटी और सिराजे हिंद भी कहा जाता है। यहाँ के लोग हिंदी, उर्दू, अवधी व अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा अवधी प्लस उर्दू प्लस अंग्रेजी मिक्स होती है, जिसे खास अवधी कहते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, साथ ही लखनऊ जिले का मुख्यालय भी इसी शहर में स्थित है और लखनऊ स्वयं एक मंडल है जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 6 जिले आते हैं। हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव। कानपुर के बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। काकोरी नामक ऐतिहासिक स्थान लखनऊ जिले में ही स्थित है। यह स्थान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के द्वारा एक घटना को अंजाम देने के लिए प्रसिद्ध है। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश मालगाड़ी में लदे हथियारों को लूटकर ट्रेन में आग लगा दी थी। यह घटना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट आमों के लिए जाना जाने वाला मलिहाबाद भी लखनऊ जिले का एक हिस्सा है। लखनऊ जिले में 5 तहसीलें लखनऊ सदर, सरोजनी नगर, बख्शी का तालाब, मलिहाबाद तथा मोहनलालगंज हैं, जो 8 विकास खंडों में बांटे गए हैं। 2011 की जनगणना में लखनऊ जिले की कुल जनसंख्या लगभग 46 लाख सर्वे की गई थी, जिसमें 77.08% हिंदू, 21.46% मुस्लिम, 0.45% ईसाई, 0.52% सिख तथा 0.49% के अनुपात में अन्य धर्म जैसे बौद्ध, जैन व सभी धर्मों में आस्था रखने वाले लोग रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान समय में लखनऊ की आबादी 57 लाख तक पहुंच चुकी है। लखनऊ जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 9 है, जो इस प्रकार हैं: मोहनलालगंज, लखनऊ कैंट, लखनऊ मध्य, लखनऊ पूर्व, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पश्चिम, सरोजनी नगर, बख्शी का तालाब, मलिहाबाद तथा 2 लोकसभा सीटें हैं, मोहनलालगंज तथा लखनऊ। दोस्तों, आप कमेंट में बताएंगे कि आपके जिले में खान पान में क्या मशहूर है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।